घाट के ऊपर में बेकाबू कार ने किया 7 लोगों को घायल। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। घाट के ऊपर में सुधा पार्क में एक ऐसी घटना हमें देखने को मिली जहां पर काफी दिल जो है झंझोर जाता है, क्योंकि इस मामले में आप सीसीटीवी फुटेज देखिए कि एक कार चालक जो कि बेकाबू हो जाती है और सीधा 3 रिक्शा चालक और 2 पहिया वाहन के साथ एक स्कूली बच्चे को भी अपने चपेट में ले लेती है। फिलहाल इस पूरे घटना में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसमें से एक जो स्कूली छात्र है वो अस्पताल में एडमिट भी है। राजावाड़ी अस्पताल में तमाम लोगों को ले जाया गया जो भी घायल थे, और इस पूरे मामलात में राजू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस पूरे मामलात को लेकर अच्छी खासी जो है डिटेक्शन भी किया है। बता दें आपको, पन्नगर पुलिस स्टेशन के हद में जो ये पूरा मामला हुआ है, इस पूरे मामलात को लेकर जोन 7 के है DCP प्रशांत कदम, उन्होंने क्या जानकारी दी है मीडिया से बातचीत करते हुए, वो हम आपको सुनाते हैं। गारुड़िया नगर भाजी मार्केट के यहाँ अवगत हुआ, ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी। हमारी पंतनगर पुलिस स्टेशन की मोबाइल 1 घटनास्थल पर गई, वहाँ पर देखा कि एक हुंडई एक्सेंट कार ने 3 ऑटो रिक्शा और 5 पदाचारी जो रास्ते से जा रहे थे उनको उड़ाया था। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कन्फर्म होने के बाद हमने इमीडिएट सभी जख्मियों को हॉस्पिटल में भर्ती किया, राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। सभी नॉर्मल है, कोई भी कैजुअल्टी नहीं है। दो लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दी है। जो ड्राइवर जिसने अपघात किया है वो हमारी हिरासत में है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन और गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू है। सर, कितने लोग टोटल घायल हो चुके हैं, कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है और किस वजह से ये जो है एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर से अपनी बात की है? अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, 7 लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी इंजुरी मेजर नहीं है। 3 ऑटो रिक्शा का नुकसान हुआ है और प्राथमिक जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट का देखा गया तो वो जो ड्राइवर था जो गाड़ी में बैठा हुआ था वो चार्जिंग कर रहा था अपनी मोबाइल का, गलती से उससे वो पूरा चाबी लगा के एक्सेलेटर प्रेस हो गया और ये अपघात हो गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अभी हम आगे पूरे कार्रवाई कर रहे हैं। नेमकी घटना मुळे तो आम्हाला पण कळणार नाही, कारण की गाडी पार्क इथं साईडला होते, तर त्या दोन मित्रांच्या यात एक त्यांचे रिलेटिव्ह असून कोणत्याची गाडी होती वाटतं, ती स्टार्ट झाली वाटतं, त्या स्टार्ट केली, तो भाग आम्हाला माहीत नाही, पण ती गाडी फरफडफड इकडं अशी डायरेक्ट गेली आणि त्यावेळी काय पब्लिकचं येणं जाणं चालू होतं आणि शाळा वगैरे सुटल्या होत्या, या आपल्या रिक्षाला सगळ्या लागल्या होत्या, त्यात ती गाडी एकामेला धडक धडक माणसाला उडवत वगैरे तिथं पण गेली। एवढंच दिन आम्ही सगळं पाहिलं आणि तो जो माणूस होता तो आम्हाला माहिती आहे, तो आमच्या एरियातलाच होता आणि जे लाईनला लागले ते पण आमच्या एरियातले होते, सगळे म्हणजे आमच्या इथल्या परिसरातले होते, दुसरं कोण असं आहे नाही। मला तर माझ्या अंदाजने 7-8 जणांना त्यांनी तर जख्मी झाले असतील, या जास्त मार लागला असेल, ते मुळात आम्हाला सांगता येणार नाही की त्यांना काय लागलं। नाही नाही, सगळे पब्लिकने सगळ्यांना आम्ही रिक्षात बसवून दिलं, रिक्षात थांबवलं, रिक्षात बसवून दिलं, ट्रॅफिक क्लिअर केली, तर पोलिस आले, सगळे झाले, सगळे ओके करून गेले, नंतर पोलिसांनी गाडी घेऊन पण गेले ताब्यामध्ये। आपलं नाव? माझं नाव अनिल काळे। माझी मुलगी आहे आणि नातू आहे। नाव काय? मुलीचं नाव सपना अरविंद सनगरे, आणखी आदित्य सनगरे। अच्छा, कुठे चालले होते नेमके? शाळेला चालले, स्कूलमध्ये। कुठे चालले? घाटकोपरला। हो, शाळेत चालले होते। नेमकं काय अपघात झाला ते पण मला माहीत नाही, मी कामावर गेलो ना चर्चगेटला, मला फोन आता आम्ही आलो। खूप लागले का? हो, खूप लागले, पोरीला मग मुलगीला, मुलगीला एवढं नाही लागले, थोडंसं लागले, पण मुलीला जास्त लागले। मी कांदिवलीला असतो, हो, पोरी इथे घाटकोपरला कामारातला। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।